उज्जैन संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मैकडॉन शहर से अपनी जांच कराने के लिए पति पत्नी आए हुए थे, जिसका बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। उपचार के लिए जब शासकीय हॉस्पिटल के अंदर पहुंचे तो वार्ड के अंदर पलंग पर बैग रख दिया और उपचार करवाकर जब पति पत्नी बाहर आए तो बैग गायब थे। बैग के अंदर महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। अज्ञात चोर ने बैंक चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया, यह समझकर कि नकदी राशि और कीमती सामान होगा। बैग के अंदर पर पीड़ित दंपति ने बताया कि बैग में नकदी और आभूषण कुछ नहीं थे, सिर्फ हमारे काम के दस्तावेज थे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शासकीय अस्पताल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, साथ ही सुरक्षाकर्मी भी रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में से चोरी हो जाना कई प्रकार की अव्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर अभी आप किस लिए आए हुए थे? डायलिसिस के लिए आए थे, और वो डायलिसिस के होने के बाद में बेल्ट देने पर थे उनको, मरीज को। अच्छा, किनको? अंदर गया था मैं। आप अंदर गए थे, यहाँ पर बैग रख कर? बैग रखा हुआ था आपका? बैग रखा था यहाँ सीट पे। अच्छा, क्या क्या था बैग में? बैग में वो डॉक्टर की जाँचें वगैरह थी। और क्या? और राशि वगैरह, पैसा वगैरह कितना क्या था? पैसा ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। अच्छा, सामान वगैरह क्या था? एक डायरी थी उसमें, वो नंबर की, मोबाइल नंबर की। और क्या था उसका अंदर? उसके बाद अंदर कुछ वो सामान का कुछ भी नहीं था ज़्यादा। अच्छा, जाँचें वगैरह थी उसमें, दस्तावेज का पेपर वगैरह थे, दस्तावेज। हाँ, अब क्या दिक्कत आएगी आपको, क्या परेशानी आएगी? अब यही परेशानी आएगी कि जाँचें वगैरह फिर से बनानी पड़ेगी डॉक्टर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।